सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट आ जाइए फिर से एपिसोड 3 लेके मैं आ गया हूँ। अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी की प्लानिंग कर रहे हो तो यह एपिसोड आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, आपका 20 नंबर पक्का होगा वेदर जेपीएससी वेदर जेएसएससी में। ये मैं डन करता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि जल्द ही झारखंड गवर्नमेंट अपनी नियोजन नीति को लेके आ रही है, और वैसे तमाम लोग जिन्होंने 2016 के बाद से अपने डोमिसाइल्स को बना रखा वो सारे के सारे लोग एलिजिबल्स हैं जेएसएससी को एग्ज़ाम देने के लिए, या जेएसएससी को जो एक्सटेंशन फॉर्म की डेट मिलेगी उसका लाभ उठाने के लिए। डियर तो आप कमर कस लें और ये सिंगल डे का एग्जामिनेशन होगा डियर, और इसमें आपको फटाफट नौकरी मिलेगी। तो आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जिसका सीधा का साधा जो रिलेशन है वो आए गए एग्जामिनेशनों में से है डियर। तो मैं वैसे क्वेश्चन की सीरीज को आपके पास लेके आया हूँ जो कि आपको 20 नंबर पक्का दिलाएगा। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें डियर। आप लोग वीडियो तो देखते हो बट शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, है ना, और सब्सक्रिप्शंस को भी नहीं बढ़ा रहे हो डियर। तो मैं आपके लिए कुछ करता हूँ तो आपको भी कुछ करना चाहिए। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत जल्द वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द साइंस एंड टेक क्लासेस फॉर योर जेपीएससी स्पेशली डियर, राइट। सेम भी इन्वायरमेंटल साइंसेस की क्लास में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ फॉर जेपीएससी एंड यूपीएससी बेस्ट, और इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो बीपीएससी मेंस की होगी या फिर जेपीएससी मेंस की होगी डियर, विदाउट आपको पता है कि 200 मार्क्स के आते हैं जेपीएससी मेंस में आपके इकोनॉमिक्स के पेपर डियर। तो आप विदाउट इकोनॉमिक्स और विदाउट साइंस टैक आप एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाओगे डियर। सो दैट मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेल करें, और आप मेल कर सकते हो officer.official@gmail.com पे आप मेरे को मेल करो, या फिर आप दिए गए नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट करो, ओके। जो भी मीडिया आपके पास उपलब्ध है डियर, या फिर टेलीग्राम पे अपने आप बात को शेयर करो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो डियर, ओके। टेलीग्राम भी हमारा officer.official है डियर, जिस पर आप जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। अजीत मेहता सर मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस स्पेशली फोकस ऑन बीपीएससी जेपीएससी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोकसिंग टू जेएसएससी, ओके। जेएसएससी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ डियर। और मैं बता दूँ कि ऑफिसर पॉइंट एक मैनेजमेंट सपोर्ट लेके आपके लिए आ रहा है झारखंड स्पेशल क्लासेस को लेकर डियर। तो ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 February 2023 से डियर। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पेड कोर्सेज 7004043326 पे डियर। ये मैनेजमेंट सपोर्ट के रूप में आपके पास आएगी, कैसे आप झारखंड के नॉलेज को मैनेज करो ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को कवर कर पाओ। बिकॉज आपको पता है कि डियर जेपीएससी में 115 मार्क्स के होते हैं झारखंड स्पेशल, और अगर बात करते हो जेएसएससी में तो 40 मार्क्स होते हैं डियर। ये एक गेम चेंजर हो सकता है, तो आप प्लान कर लो कि आप जेपीएससी निकालना चाहते हो, प्लान कर लो जेएसएससी निकालना चाहते हो, तो डोंट वेट डियर। 15 फरवरी से जो हमारी सेशन स्टार्ट हो रही है आप उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे डियर। इस सेशन में मैं झारखंड की इकोनॉमिक्स, झारखंड की जनजातियाँ, झारखंड की साइंस टेक्नोलॉजी, झारखंड की करंट अफेयर्स, जितनी भी झारखंड की टोटल एस्पेक्ट से मैं डियर सबको स्टार्ट करने वाला हूँ झारखंड स्पेशल सेशन, ओके। तो फटाफट आप इनरोल करें और मेरे को से बात करें डियर, आप मेरे को मेल करें कि हाउ कैन यू प्रोसीड टू ज्वाइन, ओके। चलिए आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है डियर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड एल्कोहल, आप वुड एल्कोहल के नाम से किसे जानते हो, निम्नलिखित में किसे लकड़ी की शराब के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको फ्यू सेकंड का टाइम देता हूँ ताकि आप इसको करो और फिर आप आंसर करो डियर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप कंफ्यूजन भी काफ़ी करते हैं। चॉइस है डियर मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, ये सारे काफ़ी उपयोगी हैं डियर आपके कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में। इथेनॉल का प्रयोग है, प्रोपेनॉल का प्रयोग है, ब्यूटेनॉल का प्रयोग है और मीथेनॉल का प्रयोग है। उम्मीद करते हैं सभी लोग एक्टिव हो गए, आंसर के मूड में हो गए। जिन लोगों का आंसर नहीं हुआ वो मैच कर सकते हो, इसका होगा आंसर डियर मीथेनॉल्स, ओके। तो मीथेनॉल जिसे आप अगर फार्मूला के बेस में लिखोगे तो CH3OH मतलब मिथाइल के साथ अल्कोहल ग्रुप का एडिशन होना, इसे एलोब्रोट्स करोगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो डियर, एक ग्रुप में आपका अल्कोहल जुड़ गया है
अगर आप बात करते हो तो इस तरह से है डियर, तो CH3OH, ओके, इसे क्या कहा जाता है, मीथेनॉल कहा जाता है, आल्सो नोन एज वुड एल्कोहल, इसे क्या कहा जाता है डियर, वुड एल्कोहल कहा जाता है, ओके। इट्स ए सॉल्वेंट इन मेनी केमिकल प्रोसेस, ये बहुत सारे रासायनिक क्रियाओं में एक सॉल्वेंट का काम करता है, एंड इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीजर, तो ऑटोमोबाइल में जो बात होती है वो एंटी फ्रीज की काम करता है, कौन डियर, तो मीथेनॉल्स, तो मीथेनॉल को कहा जाता है वुड एल्कोहल्स, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, ब्लड प्लाज्मा विथ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिमूव्स इज कॉल्ड सीरम, मीन्स ब्लड अगर ये है, ये ब्लड है, सॉरी आंसर आपका दिया गया डियर, ये जो ब्लड है इस ब्लड से अगर किसको आप निकाल दोगे वह क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा, तो आंसर होगा डियर फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है डियर जो कि ब्लड को क्लॉटिंग में मदद करता है, तो उसको आप बाहर निकाल दोगे ना तो ये सीरम बन जाता है, ब्लड सीरम। आप देखते हो कि जैसे भी आपको उंड वगैरह हो गया तो ये जो वाइट पोर्शन निकलते हैं डियर इसको क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। तो फाइब्रिन, थ्रोम्बिन एंड कोलेजन्स, ये फाइबर है डियर, ये तो आपके पास रहेंगे रहेंगे क्योंकि यही क्लॉट करते हैं, और फाइब्रिनोजन को हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा डियर, तो आपका ब्लड जो सीरम बन जाता है, ओके। चलिए तो प्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो 15% ऑफ द बॉडी, ओके, बॉडी बाय वॉल्यूम्स, ओके, एंड कंस्टिट्यूट द 5% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, तो अगर बात करोगे तो आपके मनुष्य के बॉडी का वेट का 5% क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो 55% ये वॉल्यूम को कवर करता है। अगर बात करोगे ये कैसा कलर का होता है, तो पेल येल्लो ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर फ्लूइड्स होता है, विच कंसिस्ट 92% ऑफ वाटर। कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ब्लड के प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर हैं, तो 90 से लेकर 92% तक क्या पाए जाते हैं डियर, तो वाटर पाए जाते हैं, और 8 to 10% सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, मीन्स इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाएंगे वो सारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो 8 to 10% होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर वो कौन कौन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, दिस प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एल्बुमिन, इसको रोट डाउन करो डियर, ये बहुत बेनिफिट है, ये ग्लोबुलिन हुआ, ओके, ये प्रोथ्रोम्बिन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन, एंड ये क्या हुआ, फाइब्रिनोजन, ओके, दिस ऑल आर द प्रोटीन्स विच फाउंड इन द, ओके, ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। एल्बुमिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो एल्बुमिन्स है ये ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, जबकि ग्लोबुलिन आर द चीफ साइट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, वाइल द प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो देखो इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल पाते हैं कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो बाई वॉल्यूम कितना है, तो ब्लड का वॉल्यूम अगर 100 है तो 55% क्या है डियर, प्लाज्मा है, ओके। अगर बात करते हो तो ये बॉडी वेट का 5% को कवर करता है। अब बात करोगे इसके अंदर वाटर कितना है, तो 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। अगर बात करोगे इसमें 8 to 10% क्या होता है, तो ऑर्गेनिक्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करोगे तो कौन कौन से आते हैं डियर, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये सारे के सारे क्या आते हैं, तो ये के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। एल्बुमिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एल्बुमिन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन्स आर द चीफ साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो इसी फाइब्रिनोजन को अगर आप रिमूव कर दोगे तो ये क्या बन जाता है, ब्लड सीरम बन जाता है। मीन्स अगर से आप क्वेश्चन को रोटेट करके पूछे कि ब्लड सीरम में क्या पाए जाते हैं, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ओके, एंड वाटर पाए जाते हैं, ओके, एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, तो क्लॉटिंग में मदद करता है, फाइन। चलिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम्स, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है, मतलब किस फाइलम में मैक्सिमम एनिमल्स पाए जाते हैं या मैक्सिमम स्पीसीज पाए जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एनिमल्स फाइलम, आंसर करने हैं डियर आपको,
ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी को ऐसा लग रहा हो कि ये बिल्कुल एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और ये कई एग्जामिनेशन में आए हुए हैं डियर, तो आप ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल एट द रेट ऑफ gmail.com पर आप कॉन्टैक्ट करो, या फिर आप मेरे को 7004043322 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डियर। ये वेबसाइट थोड़ी गलत है, ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल। आप सभी कोई मजे से तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये चैनल आपको सपोर्ट कर रहा होगा डियर, तो जब आपको ये सपोर्ट कर रहा तो आप भी मेरे को सपोर्ट करो, आप लाइक करो, व्यू करो, सब्सक्राइब करो, शेयर्स करो डियर, फटाफट 2000 तक पहुंचाओ। 1000 ये चैनल पहुंच चुकी है डियर, तो 2000 का पहुंचेगी, ये आपके सपोर्ट की बदौलत ही पहुंचेगी डियर। आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। तो एन आर्थ्रोपोडा इज एन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स किसको कहा जाता है? जिसके पास एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, जिसके एक्सोस्केलेटन मतलब जो आंतरिक रूप से हड्डियों के बने होते हैं, या सेगमेंटेड बॉडी, और उनका बॉडी सेगमेंट होता है, एंड अ पेयर ज्वाइंट अपेंडिस, या क्या कहते हैं ज्वाइंट लेग्स। अब याद रखना कि इसमें क्या होते हैं, हमेशा ज्वाइंट्स लेंगे, दो पैर वाले ही पीपल्स होंगे इसमें। इट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम्स विथ एन एस्टिमेट 85% नोन स्पेसीज इंक्लूडेड दिस फाइलम। तो अभी तक जितने भी प्रजातियां हैं उस प्रजातियों में 85% जो होता है वो किस ग्रुप का होता है? तो आर्थ्रोपोडा होता है। क्या होता है डियर? आर्थ्रोपोडा होता है। मैं वो जो क्लासिफिकेशन होती है ना, उसकी जो अगली मैं बात करूंगा वो अब टॉपिक वाइज मैं लेके आऊँगा। अगली जो सेशन आएगी टॉपिक वाइज आएगी, कि ब्लड्स के टॉपिक से सिर्फ ब्लड के क्वेश्चंस होंगे डियर, आप देखोगे तो टॉपिक वाइज मैं सीरीज लेके आऊँगा, सो डेट कि आपको बेनिफिट ज़्यादा करे। ये मिसलेनियस सीरीज है, राइट। आंसर क्या होंगे? ऑर्थोपोडा। एनेस्थीसिया विच अलाउ पेशेंट टू अंडरगो सर्जरी विदाउट द डिस्ट्रेस एंड पेन दे वुड अदरवाइज एक्सपीरियंस हैज बीन प्रैक्टिस बाय मैन सिंस एंशियंट टाइम्स। विच अमंग द फ्लोइंग प्लांट इज द मोस्ट एंशियंट सोर्स ऑफ एनेस्थीसिया प्रिपरेशन। आपको बताना है कि जैसे एनेस्थीसिया, आप सकते हो कई बार जब ऑपरेशन होती है तो बिना दर्द का आपको अगर सर्जरी कराना हो तो आप क्या लगाते हो डियर? एनेस्थीसिया यूज करते हो। इस एनेस्थीसिया का जो प्रयोग किया जाता है पुराने जमाने से किया जा रहा था डियर, तो जो मोस्ट एंशियंट सोर्सेस ऑफ एनेस्थीसिया है उसका नाम क्या है डियर? ओपियम, पॉपी। पॉपी जो होती है इसका प्रयोग करके हम एनेस्थीसिया लोगों को बेहोश करते थे और करते हैं, और इससे हम सर्जरी करते हैं। एनेस्थीसिया विच अलाउ पेशेंट टू अंडरगो सर्जरी विदाउट द डिस्ट्रेस एंड पेन दे वुड अदरवाइज एक्सपीरियंस हैव बीन प्रैक्टिस बाय मैन सिंस एंशियंट टाइम। ओपियम इज द मोस्ट एंशियंट सोर्सेस ऑफ एनेस्थीसिया प्रिपरेशन। अभी हम लोग डाईक्लोरो का प्रयोग कर लेते हैं, या कई तरह के एनेस्थीसियन एजेंट्स हैं जिसका हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन नेचुरल एनेस्थीसिया एजेंट्स में कौन है डियर? तो ओपियम है, और जिसे कहते हैं ओपियम कहा जाता है, ओपियम या तो पॉपी कहा जाता है। ये आपको एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं डियर, ओके। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मॉर्बिड फियर और फोबिया। निम्नलिखित में से कौन रुग्ण भय या फोबिया की श्रेणी में नहीं आता है? आपको पता होगा कि डियर कई चीज़ों से लोगों को, जैसे फूल से फोबिया है, वाटर से फोबिया है, तो हाइड्रोफोबिया आप कहते हो, इस तरह से अलग अलग तरह के फोबिया होते हैं डियर। तो आपको इनमें बताना है कि कौन सा फोबिया नहीं है, जबकि वो फोबिया के रूप में लिखा गया है, इंस्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट फोबिया। जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया, फोटोफोबिया, एल्गोफोबिया और एंथोफोबिया, दीज आर द कैटेगरी ऑफ फोबिया। आपको बताना है कि ये कौन सा फोबिया है, बट फोबिया वास्तविक में नहीं है। आंसर क्या होगा डियर? फोटोफोबिया। फोटोफोबिया इज नॉट ए फियर, यह एक डर नहीं है। इट इज एक्सेसिव सेंसिटिविटी टू द लाइट एंड द अवर्सेंस टू सनलाइट और वेल लिट प्लेसेस। ये क्या है एक्चुअली? एक्सेसिव सेंसिटिव, जब भी कोई व्यक्ति, उनको प्रकाश से काफ़ी मतलब सेंसिटिव हो जाता है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोफोबिया। बट इट इज नॉट ए फोबिया, मुझे डर नहीं लगता है, वी आर मोस्ट सेंसिटाइज। क्लस्ट्रोफोबिया क्या कहता है? फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। अगर किसी खास जगह से आपको डर लगता हो, जैसे मान लो ये इस जगह पे गए तो आपको खंडहर देख के डर लगता हो, जब भी आप यहाँ जाओगे तो आपको डर लगेगा, इसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। दूसरा क्या है? एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, आपको दर्द से बहुत डर लगता है। दूसरा क्या है? एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ फ्लावर, अगर फूल से आपको डर लगता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोफोबिया कहते हैं।
और स्टडी ऑफ फ्लावर को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है ये। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो एलोब्रेशंस भी, ताकि आपको क्वेश्चंस माइंड में सेट रहे। बूबो, बूबो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्पेसीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि बूबो बूबो जो है निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। क्या यह हेन का है, पिकॉक का है, ईगल का है, या आउल्स का है? समय दे रहा हूँ डियर, आप देखें। मैं कहूँगा कि फटाफट हमारे ऑफिशियल पॉइंट ऑफिशियल्स चैनल को सब्सक्राइब करें डियर, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मिला करें, और कई लोग इससे प्रभावित हो डियर। तो अपने दोस्तों के बीच में इसे फेवरेट करें इस चैनल को, ताकि मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन मुझे मिल पाए। मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, तो यू डेफिनेटली डू फॉर मी फॉर बेटर क्वेश्चंस, राइट? आंसर होगा आउल्स। बूबो बूबो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आउल्स। द बूबो और द यूरेशियन ईगल आउल इज अ स्पीसीज ऑफ ईगल वाउल दैट रिसाइड्स इन मच ऑफ यूरेशिया। ये यूरेशिया की एक प्रजाति है डियर, आप कह सकते हो ईगल, ईगल की प्रजाति है जिसका नाम है बूबो। एक्चुअली ये यूरेशियन मतलब एशिया और यूरोप के बीच में पाए जाते हैं ये, और इनका नाम क्या है, बूबो। सो बूबो एक इसलिए ये चर्चा में, बिकॉज ये विलुप्त प्रणियों की श्रेणी में आने आने को तैयार है डियर, ये इंडेंजर प्राणी के लिस्ट में है, इसलिए इसको बूबो बूबो इज द इम्पॉर्टेंट। तो ये आपके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटीज है डियर। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग कंपेरिजन ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड जियो सिरकोनस ऑर्बिट, ये दोनों में जो डिफरेंस है उसको, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं डियर। ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या है, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट्स क्या है, या जो आपके ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट मीन्स अर्थ में जो ऑर्बिट होता है उसमें कौन सा जियो स्टेशनरी है, कौन सा जियो सिंक्रोनस है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट बी सर्कुलर, जियो सिंक्रोनस मे नॉट बी सर्कुलर, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट बी डायरेक्टली अबव इक्वेटर। आपको बताना है कि जियो स्टेशनरी होता है वो इक्वेटर के ऊपर होता है क्या, या सिंक्रोनस ऑर्बिट इज नॉट द अबव इक्वेटर। देयर इज ओनली वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाइल देयर कैन बी मेनी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आपको इन सारे डिफरेंसेस को क्रिएट करके बताने हैं कौन कौन सा होता है। आप फिर से एक बार चॉइस को देखो, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट बी सर्कुलर, क्या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सर्कुलर होता है, इसको हम लोग चॉइस वन में डाले हैं, इसे चॉइस टू में डालते हैं डियर, और इसे चॉइस थ्री में डालते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है क्या वह सर्कुलर होता है, या जियो सिंक्रोनस मे नॉट बी सर्कुलर। तो ये अगर सर्कुलर है तो क्या ये सर्कुलर नहीं है। दूसरा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट बी डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, क्या यह इक्वेटर के ऊपर होता है, या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इज नॉट अबव द इक्वेटर। देयर इज वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाइल देयर कैन बी ए मेनी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये आपको डिफरेंस है, इस डिफरेंस में आंसर करने हैं डियर। आंसर होगा वन टू एंड थ्री, मतलब ये तीनों का तीनों है डियर। मीन्स आप कह सकते हो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर होना चाहिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इक्वेटर के ऊपर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, देयर इज ओनली वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सिर्फ एक होना चाहिए, राइट? द सर्कुलर, ये क्या है, सर्कुलर इक्वेटर ऑर्बिट इज एग्जैक्टली इन द प्लेन ऑफ इक्वेटर ऑन द अर्थ। इफ द सैटेलाइट इज मूविंग इन द सर्कुलर इक्वेटोरियल ऑर्बिट इट इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द अर्थ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब अगर यह अर्थ के इक्वल ऑर्बिट में काम करता है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। किसका? तो ये होता है डियर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। तो देखो, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के कई फीचर्स हैं। ये पहला क्या होंगे, सर्कुलर्स होंगे, द ऑर्बिट इज इन इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटर के प्लेन के ऊपर होगा, डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, एंड थस इंक्लिनेशन इज जीरो, इसलिए इसका एंगल क्या होता है, जीरो होता है, ये बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर रहते हैं। ओके, द एंगल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसी वेलोसिटी से कौन मूव करेगा, मीन्स अर्थ के साथ ही ये घूमता है। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द अर्थ रिवोल्यूशन, तो अर्थ जो आपको घूमने का जो समय लेता है उतना ही समय में कौन घूमता है डियर, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट घूमता है,
फिनिश वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज 23 hours 56 minutes 41 seconds मीन्स जो अर्थ का जो एक घंटे में 24 घंटे में जितनी बार घूम लेता है या इसको पूरा घूमने में सूरज को पूरे और चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वह 23 hours 56 minutes 4.1 seconds है। वही किसको लगता है? जियो स्टेशनरी का, और सिर्फ यह एक होता है, ओनली वन होता है डियर। तो आज इतनी इन्फॉर्मेशन आप माइंड में रखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। यह क्या होता है? इट इज नॉट एंड सर्कुलर ऑर्बिट, जबकि जियो स्टेशनरी या सर्कुलर ऑर्बिट। द ऑर्बिट इज नॉट इक्वेटोरियल प्लेन, या इक्वेटर प्लेन पर नहीं होता है और डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, या इक्वेटर के ऊपर भी नहीं होता। इट इज इंक्लाइंड ऑर्बिट, ये एंगल के रूप में इंक्लाइंड रहता है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होती है दोनों की बराबर होती है। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज द इक्वल टू द अर्थ। फिनिश वन रिवोल्यूशन अराउंड एग्जैक्टली 23 hours 56 minutes ओके इन सेकेंड। देयर आर मेनी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, बाकी सारा कुछ इक्वल है लेकिन इसकी संख्या मैनी होती है, ये इक्वेटर से एंगल बनाकर रहते हैं। ओके तो ये काफी इसको नोट कर लेना डियर, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर आपका तीनों का तीनों होगा डियर, जो आपके चॉइसेस में दिए गए हैं 1, 2, 3, क्योंकि आप इसको 1 मानो 2 मानो 3 मानो आंसर इज ऑल फाइन। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, और जैसे कई लोग होते हैं जिनको इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स होता है डियर, तो आप थोड़ा सा एडवांस बने और इंग्लिश हिंदी दोनों पर पकड़ बनाए डियर, तो ये आपकी एक डेवलपमेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट, द रेडियो रिसेप्शन इम्प्रूव स्लाइटली ड्यूरिंग द नाइट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस। जैसे कि आप कहीं, आपके पास अगर रेडियो होगा या आप रेडियो यूज़ करते होंगे या आपने कारों में लगा रखा होगा, तो जैसे जैसे नाइट होता है नेटियर, तो जो सिग्नल पकड़ने की जो कैपेसिटी होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसका रीजंस क्या है? क्या इन रीजनों में से है क्या? द सनलाइट अफेक्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग द डे, जो सूरज की रोशनी होती है वो रेडियो ब्रॉडकास्ट को प्रभावित करता है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एक्ट विथ रिड्यूस इंटेंसिटी ड्यूरिंग द नाइट, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इंटेंसिटी को रिड्यूस कर लेता है नाइट में, देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन ब्रॉडकास्ट, इसके वजह से ब्रॉडकास्ट पर इम्पैक्ट कम पड़ता है, ऐसा है क्या? आंसर क्या होगा? ओनली वन, द सनलाइट अफेक्ट्स रेडियो ब्रॉडकास्ट टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग द डे। डे में क्या होता है कि सूरज की रोशनी से इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। द आयोनाइजेशन रेट इन द आयोनोस्फेयर, आपको पता होगा ये जो रेडियो सिग्नल चलता है वो कहाँ चलता है डियर? तो आयन मंडल के अंदर चलता है या आयनोस्फेयर के अंदर चलता है। एट नाइट द डिफरेंस दैट इन डे टाइम्स बिकॉज ऑफ द सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि इवनिंग में सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम हो जाता है डियर, इसके वजह से इसके सिग्नल्स के मूवमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द एब्सेंस ऑफ द सन एट नाइट इन्हेंसेस द रिफ्लेक्शन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनोस्फेयर, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन करेक्टरिस्टिक को बढ़ा देता है, तो सिग्नल जैसे आया तो रिफ्लेक्ट होकर तेजी से आपके पास चलाता है डियर। दैट इज वाई द रेडियो रिसीव्ड इम्प्रूव्स स्लाइटली ड्यूरिंग द नाइट, इसी वजह से जो सिग्नल कैचिंग कैपेसिटी होती है रेडियो की वो नाइट में बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि डे में सोलर रेडिएशन इसको प्रभावित कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप रखें। फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डियर, ऑफिशियल पॉइंट चैनल का नाम है डियर, ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल @gmail.com पर आप संपर्क करें या हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें डियर। ये 12 फरवरी से हमारी पूरी JPSC और JSSC की पूरी झारखंड की सीरीज स्टार्ट हो रही है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो विकास देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, आपको इवोल्यूशन का सीक्वेंस बताना है, जैसे इकिंडा, कंगारू और वेल, इसमें किस में सबसे पहले इवोल्यूशन और बाद में देखने को मिला है। ओके, तो आंसर होगा इकिंडा, कंगारू एंड वेल्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवोल्यूशंस वुड बी मोनोट्रीम, मोस्कोर्पियल्स एंड यूथेरिया, सिंस वेल इज इन सब क्लासेस ऑफ यूथेरिया इट इज द लेटेस्ट इन द इवोल्यूशन, इसलिए जो वेल है इवोल्यूशन का सबसे लेटेस्ट पार्ट है। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज इकिडेना, मोनोट्रीमी, कंगारू, मैक्रोपिकल्पियल्स एंड द वेल द यूथेरिया। सो इकडेना आर द ओनली सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ द
मोनोट्रेमा ऑर्डर्स एंड आर द ओनली लिविंग एनिमल्स दैट ले एग्स। तो आपको एक ही बताना है कि अभी एक ही जो है जो लिविंग एनिमल्स है जो एग्स देता है। आपको पता होगा एनिमल्स क्या होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, एग्स नहीं देते हैं डियर। तो एग्स देने वाले एक इकलौता कौन है डियर, तो इकिंडा जो है वो इकलौता है जो एग्स को देते हैं। सो ECHINDA इकिंडा जो है इकलौता है जो एग्स देते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, लास्ट हो गया डियर, नेक्स्ट और लास्ट। इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द ऑल आर्टरीज, मानव संचार प्रणाली में सभी धमनियां, आपको करने हैं कि ये कैसे होते हैं। ऑल आर थीन वाल्व ब्लड वेसल्स, क्या इसके वाल काफ़ी पतले होते हैं। कंटेंस वाल्व डेट प्रिवेंट द बैक फ्लो, क्या इसके अंदर वाल्व होते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं। ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या हमेशा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, क्या यह हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाते हैं। आंसर करने हैं आपको डियर ओनली 4, कैरी ब्लड ऑलवेज फ्रॉम हार्ट, क्योंकि सभी आर्टरीज में जरूरी नहीं है कि वाल्व लगेंगे, सभी आर्टरीज में जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होगा, क्योंकि आपको पता होगा पल्मोनरी जो आर्टरीज होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एक्सेप्शन है डियर कि पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी जो वाल्व होते हैं ओके, या पल्मोनरी जो वेन होते हैं, आप वेन की बात करो, ये प्योर ब्लड लेके जाते हैं, जबकि लेके जाना किसको था डियर, तो आर्टरीज को लेके जाना। उसी तरह डियर पल्मोनरी आर्टरीज जो होते हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं डियर, ओके। ये आपका एक्सेप्शन है, सो आंसर इज 4, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाता है, ये सभी आर्टरीज का काम है। आर्टरीज आर थिक इन वॉल्ड वेसल्स डैट कैरी, थिक होता है थिन नहीं होता है डियर, ओके। वार कैरीड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड को ले जाते हैं वो थिक होते हैं, नॉट थिन। ब्लड मूव्स बाय द कॉन्टैक्टिंग मसल्स 1, 2, ऑल आर ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेन, ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन का डियर। सो आंसर क्या होगा आपका, 4 होगा, ओके। तो ये सारे 10 क्वेश्चंस आपके हो गए डियर। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऑफिशियल, ओके। ऑफिशियल पॉइंट्स ये हमारे चैनल का नाम है डियर, ऑफिशियल पॉइंट ऑफिशियल @gmail.com पर आप मेरे को मेल कर सकते हो। 12 फरवरी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन ऑफ झारखंड स्पेशल, ये पेड कोर्सेस होगा डियर, ओके। तो ऑफिशियल पॉइंट, दिस इज माय चैनल, आप सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे डियर, ओके। चलिए ऑफिशियल पॉइंट बहुत जल्द लेके आ रहा है, 16 BPSC के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस, ओके, बायोलॉजी की क्लासेस। अगर आप BPSC, JPSC, JSSC की तैयारी करते हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डियर फॉर साइंस सेशन, ओके। थैंक यू, वी विल मीट वंस अगेन विद अनदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑफिशियल पॉइंट ऑफिशियल @gmail.com, ऑफिशियल पॉइंट ऑफिशियल आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, आज की क्लासेस की PDF को ले सकते हो, ऑफिशियल पॉइंट पे जाएं डियर, कॉन्टेक्ट करें, आने वाले क्लासेस को बेल आइकॉन को जरूर पुश आउट करें, सो डेट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिला करे ऑल सेशंस का। थैंक यू, वी विल मीट वेरी सून विद अनदर इंपॉर्टेंट लेसन्स। आई होप सभी कोई मस्त हो रहे होगा, फाइन, थैंक यू।